कोई जरूरत नहीं है इस फजूल खर्ची की। ठीक हूँ मैं, इसकी जरूरत है अम्मी। अब 2 दिन बीमार होती हैं, फिर दोबारा सही हो जाती हैं, फिर बीमार हो जाती हैं। बीपी नॉर्मल ही नहीं हो रहा है आपका, तो जरूरी है ना डॉक्टर को दिखाना। अब सिर्फ नौकरी ढूंढ, सीधी सीधी सारे पैसे जेवर सब कुछ खत्म हो चुका है। 4 दिन के बाद ये घास फूस भी नहीं मिलनी खाने को, फाके करने पड़ेंगे। अरे ओ बात सुन, इधर साहब से बात हुई थी, उनसे पूछा कि बंगले की चाबी कहाँ? जी फोन तो आया था, लेकिन साहब ने चाबी देने से मना कर दिया और कहा कि 2 दिन के अंदर ये क्वार्टर भी खाली करवा दो। ये बंगला बेच दिया है साहब ने। क्या, ऐसे कैसे बिक गया? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये बंगला तो मेरे पापा का है। ये मुझे नहीं पता बीबी, बाकी मुझे जो कहा वो मैंने बता दिया आपको। अरे ऐसे कैसे बेच देंगे बंगला? पहले कब्जा करके बैठ गए और अब बंगला बेच के पैसे खा गए हैं, ऐसे कैसे भाई? वो नंबर दो, मैं खुद बात करती हूँ उनसे। जरा दिन दहाड़े डाके, अरे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, पहले कब्जा कर लिया और अब खा गए। अरे फोन मिला जल्दी कर। देखिए बंगला तो बिक चुका है और 2 दिन में नए मालिक को कब्जा भी देना है। मैं तो कल जा रहा हूँ गाँव, बाकी आपकी मर्जी, जो करना है करें। क्या क्या गया वानिया, अगर ये सच कह रहा है और कोई आ गया इस बंगले में, तो हमसे तो ये हमारा क्वार्टर भी खाली करा लेगा, क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे? हाय मेरे अल्लाह, मुझे तो सोच सोच के। अरे फोन तो कर उस जमील कमबख्त मारे को, फोन कर उसे। मैं कर रही हूँ, फोन कर। वानिया के पापा, कुछ भी करके जेल से बाहर आ जाओ। खामोश तो रहे। अरे बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, मैं बना लेती नाश्ता। तकल्लुफ की क्या बात है दादू, आपको पता तो है घर पर 2-2 मुलाजमे, उनके साथ मिलकर बनाया मैंने, कौन सा अकेली ने बनाया। अच्छा बेटा सुफियान को भी ले आती। वो सुफियान ही मुझे छोड़ कर गए, अब ऑफिस में कुछ काम था इसलिए वो बस चले गए। फैजान बता रहा था सुफियान काफी हेल्प कर रहा है। हाँ तो सारे फराइज तुम्हारे तो नहीं, हमारा भी कुछ काम बनता है ना। वैसे इतना सब कुछ तुमने बनाया? जी मैंने ही बनाया है, मेरे भाई और भाभी का शादी के बाद पहला नाश्ता था, मैंने अपने हाथों से बनाया। थैंक यू। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? सैफी के सारे काम करते करते फरीक घर के सारे काम सीख गई। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जब अलग हुए थे तो अब करना पड़ता था। अब सैफी मुझे मना करते हैं, लेकिन खुद से खाना बनाने में मुझे मजा आता है। अच्छी बात है बेटा, लड़कियों को घरदारी आना चाहिए। देखा अम्मा मेरी बेटी कितनी सुघड़ है, बिल्कुल अपनी उंगली पे कही है। हाँ बेटा, बेटियां तो माँ की परछाई होती हैं। ठंडा हो जाएगा ना, बैठे बुलाओ सबको। बुलाओ ना मन्नू और शोएब, शेबी का। मैं आवाज देती हूँ। अरे क्या हुआ, मिला नंबर? कब से तो मिला रही हूँ मम्मी, फोन ही नहीं रिसीव करो कोई आगे से। कहीं का एहसान फरामोश, अब क्यों हमारा फोन उठाने लगा वो? मम्मी हो सकता है कि उनको पता ना हमको कॉल कर रहे हो, अब सुबह हो गई है, शायद अब उठा ले। हाँ सही कह रही है, मिला दोबारा, कोशिश कर, कोशिश कर। हाँ वैसे मम्मी एक बात तो बताएं, अगर उन्होंने फोन ना उठाया हो, वो नए वाले मालिक अगर यहाँ पे और उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? शक्ल तो तेरी अच्छी है मगर बात भी अच्छी कर लिया कर, क्यों डरा रही है मुझे? अच्छा करती हूँ मैं। ऐसे रह देके एक मामू का घर रहता है, एक काम करते हैं मामू क्या रह लेते हैं, लेकिन अगर मामी वो जहरीली नागिन, उसके घर जाऊंगी, थूकना भी पसंद नहीं करती मैं उसके चेहरे पे, मनुष पे, हमारे भाई को फंसा के बैठी हुई हम। मम्मी आपके थूकने से पहले ना वो आपको धक्के देके उस घर से बाहर निकालेगी। तुम अपनी बकवास बंद कर और ये फोन मिला बस। कर रही हूं, कर रही हूं। अरे उठाया किसी ने? मम्मी तो फोन बंद हो गया उनका। क्या अब क्या होगा वानिया हमारा, हम कहाँ जाएंगे? क्या होगा, रोड पे जाएंगे, वही रहेंगे अब हम। दिल तो चढ़ो एक थप्पड़ लगा दूं तेरे चेहरे के। ते कमबख्त बात अच्छी कर ले, कह रही हूँ ना बार बार, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बल्कि तू ऐसा कर कि नौकरी ढूंढ भाई, कोई भी नौकरी मिलती है ना तू कर ले, हम किराए का घर ले लेंगे, एक ही कमरे का ले लेंगे, लेकिन किराए का ले लेंगे फौरन। जानती हूँ मैं मुझे एक और होना पड़ेगा अब। हाँ तो यहाँ मेरे क्या 10-20 बच्चे घूम रहे हैं जिनसे कहूंगी कि जाओ नौकरी का ढूंढ के लाओ, या मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं नौकरी कर लूँ जाके, क्या पोछे लगाऊं या झाड़ू दूं किसी के घर में जाके? बस करे ना मम्मी, इतनी टेंशन हो रही है। हाँ बहुत टेंशन हो रही है ना,
है, टेंशन में ऐसी बौखलाई बौखलाई घूम रही है। अरे टेंशन तो मुझे हो रही है यहाँ पर, तू तो सारा दिन आराम से लेट के या तो फोन देखती रहती है या खाती रहती है या सोती रहती है। जान तो मेरी हलक में आई हुई, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आज भी अपना ऑफिस का काम लेके बैठी हुई है। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। मेरे सर पर सिंह निकल आए क्या? नहीं नहीं। तो फिर ऐसे क्यों घूर रहे हो? खुद को यकीन दिला रहा हूं कि तुम अब इस कमरे का हिस्सा हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए सेट किया। इस कमरे की किस्मत ही बदल गई है ना, बल्कि नहीं नहीं मेरी भी, जो कभी आसमान का चांद होता था मेरी पहुंच से बहुत दूर, आज वो मेरे सामने, उसे मैं जब चाहूं छू सकता हूं। मैंने तुम्हारे बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि जिंदगी तुम्हारे नाम मंसूब कर दूं। तुम हमेशा से मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, हमेशा तुम्हारी जरूरत पड़ती रही, जिंदगी की हर बात तुमसे शेयर की, लेकिन कभी जिंदगी शेयर करने के बारे में नहीं सोचा। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा आइडियल नहीं हूं। प्लीज आइंदा ऐसा मत कहना। मैं ही तुम्हारा खूबसूरत दिल झांक नहीं सकी जिसमें इतनी खूबियां थी जो एक जीवन साथी में होनी चाहिए, मगर मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे सही फैसला करने की तौफीक दी। और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूं कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। माँ, मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा, और इस बात का हमेशा यकीन रखना। अब प्लीज जाओ ना यहाँ से। भाई मेरा कमरा है, मेरी मर्जी, जब आऊं तब जाऊं। वानिया, अरे दोबारा से ट्राई कर ले, वहां दिन निकल आया होगा, शायद वो फोन उठा ले। मम्मी सुबह से मिला मिला के मेरी उंगलियां घिस गई हैं। तो और घिसवा ले उंगलियां, जूतियां घिसने से बेहतर है, वरना रोडों की जो खाक छाननी पड़ेगी ना वो बहुत बुरी होगी फिर। मम्मी मम्मी फोन आ रहा है। किसकी है? अरे मम्मी ये तो उन्हीं का फोन आ रहा है। अरे ला मुझे दे, मैं बात करती हूँ। अरे मुझे देना, बात करती हूँ मैं, दे मुझे। भाई बड़ी बात करो। कौन बात कर रहा है? भाई साहब मैं मिसेस मजीद बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, भाभी कैसी हैं आप? बस भाई साहब क्या बताऊँ कैसी, कहाँ थे हम और कहाँ आ गए। आपने बंगले में भी नहीं रहने दिया, क्वार्टर में डाला हुआ हमें, और उस पर भी ऑर्डर जारी कर दिया कि बंगला बिक गया क्वार्टर भी खाली कर दो। भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है बोला। अरे भाभी आपको तो पता ही है मजीद भाई के केस का तमाम खर्चा मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, कहाँ से लाऊं उतना पैसा, बंगला बेच कर ही पूरा करूंगा ना। और आपको तो पता है नैब वाले आजकल बिल्कुल जान को आए हुए हैं। भाई साहब अल्लाह का दिया आपके पास सब कुछ तो है, किस चीज की कमी है आपके पास? ठीक है
बंगला भेज दिया कोई बात नहीं, कोई फ्लैट व्लैट ही दे दे हमें रहने के लिए। आपको पता है ना जवान बच्ची का साथ है। मुश्किल है भाभी, मैं तो अपना तमाम सेटअप वहाँ खत्म करके फिर यहाँ आया था। अब वहाँ जो दो चार मकान है वो तो मेरी बीवी करे, उसी के बहन भाई रहते हैं, तो मेहरबानी करके आप जो है वो एक दो दिन में खाली कर दें, क्योंकि परसों मुझे कब्जा देना है। हेलो हेलो भाई साहब, क्या हुआ? फोन ही बंद कर दिया कमबख्त मारे ने, और कह रहा है कि घर खाली कर दो, वो कब्जा लेने के लिए आ रहे हैं। अब क्या होगा? अच्छा मुझे फोन दे, कॉल करनी है। ले कर, और यहाँ के गवर्नर को बुला और उनसे कह हमें यहाँ से अपने घर ले जाएं। अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे? बेटा आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट जरूर ले लेना। जी अबू, बस ऑफिस जाते हुए ले लूंगा, बस दुआ करें कि आज शाम का मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है ज़रीना, आज सुबह से फिर से शदीद दर्द है। आप फिक्र ना करें अबू, डॉक्टर वहाब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि उनके इलाज से इंशाल्लाह मेरे को बहुत फायदा होगा। अच्छा ये हमारी दादों की दवाइयाँ हैं, ये लेते आना। मैं चाहता हूँ कि मन्नू कुछ दिन इन जिम्मेदारियों से दूर रहे। ठीक है अबू, मैं ले आऊँगा। बल्कि आज सुबह भी दादू को ग्रॉसरी चाहिए थी तो ला के दे दी थी मैंने। चले मैं चलता हूँ। अरे बेटा पैसे तो लेते जाओ। अरे नहीं नहीं अबू, पैसे हैं मेरे पास, अभी कुछ दिनों पहले ही कंपनी ने एडवांस दिया है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस जा रहे हो? हाँ। कोई मुश्किल तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं क्या मुश्किल होगी, सब कुछ ठीक है। चले मैं चलता हूँ, कोई काम हो तो बस आप लोग फोन कर दिएगा मुझे। हाँ सुनो, वो एक काम था। हाँ मुनी आप? हाँ मैं तो भूल ही गया था। ये लो शेर, गाड़ी की चाबी। कौन सी चाबी? महा की गाड़ी, महा को मैंने नई गाड़ी गिफ्ट कर दिया, ये तुम रख लो। अरे नहीं बेटा, तुम्हें भी तो जरूरत होगी इसकी। नहीं ताबू, हमारे लिए एक ही गाड़ी काफी है। ये लो शेर, रखो ये चाबी, बड़े भाई की तरफ से तोहफा समझ लिया। चले मैं चलता हूँ। वो सामने वाली सोसाइटी में जो नया मेडिकल सेंटर खुला है उसकी बात कर रही हो ना तुम? हाँ हाँ मैं कर लूंगी रिसेप्शनिस्ट की जॉब। अच्छा किनसे मिलना है? जावेद साहब से। चलो ठीक है, थैंक यू। मम्मी मेडिकल सेंटर में रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, वो वर्धा है ना, वर्धा मेरी दोस्त, उसके मामू वहाँ एडमिन इंचार्ज है तो इंटरव्यू के लिए बुलाया है। चल ठीक है बेटा, ना होनी से तो होना बेहतर, अल्लाह करे बस अब ये जॉब मिल जाए तुझे। यकीन कर जिस दिन मिलेगी ना मैं तो इस कोठरी से निकल के भागूंगी। मिल जाएगी मम्मी, वर्दा का नाम मिले वहाँ काफी। ठीक है अल्लाह करे। अब मैं चल। अरे रुक तो सही, ऐसे कहाँ जा रही हूँ, जल्दी। अब जा। ओके ये नौकरी मिल जाए, इस कपाड़ खाने से तो जान छुटेगी मेरी। जो तो ये लगता है कि शादी में सिर्फ एक महीना रह गया, हमें शॉपिंग शुरू कर देनी चाहिए अब। क्या तुम बिल्कुल ठीक रही हो फरी? अच्छा क्यों ना आज हम जाके सारा का ब्राइडल सूट ऑर्डर करते हैं। सही कह रही हैं, हम लंच के बाद चलते हैं ना।
वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, ऐसे आसानी से नहीं मिल जाएगा। लेकिन फरी, हम इसका ब्राइडल कलर क्या रखेंगे? मुझे तो रेड पसंद है। हाँ, लगती तो वैसे रेड में ही अच्छी है। क्यों सारा, क्या? अब सॉरी, वो मैंने सुना नहीं। ले, हम लोगों ने सारा प्लान बना लिया और मैडम को कोई खबर ही नहीं। प्लान? कैसा प्लान? बेटा, तुम्हारी शादी की शॉपिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, तुम ब्राइडल सूट में कलर कौन सा पहनोगी? मुझे तो रेड बहुत पसंद है। आंटी, इसका मतलब फिर से मुझे वो भारी जोड़ा पहनना पड़ेगा। क्यों, तुम कॉटन का ड्रेस पहनना चाहती हो? मेरे ख्याल में तो वही ठीक रहेगा। ले। क्या फायदा फिजूल खर्ची का? आप खुद सोचें, लाखों रुपए का जोड़ा खरीदो और एक दिन पहन के रख दो। सारा, बेटा जिंदगी का बड़ा यादगार दिन है, एक ही दफा शादी होती है, और तुम्हें पैसों की क्यों फिक्र? आंटी, पैसों की बात नहीं है, मुझसे वो रिवायती भारी जोड़े नहीं पहने जाते, मेरा दम घुटता है उसमें। प्लीज आंटी, मैं नहीं पहनूंगी। अरे सारा, सारा बेटा सुनो तो सही। अच्छा, आप परेशान ना हो, मार्केट में लाइट वेट ड्रेसेस भी मौजूद है, हम उनमें से कुछ ले लेंगे। ठीक है परी, तुम और मैं साथ चलकर देखते हैं। डॉक्टर बड़ा है तो फिर फीस भी बड़ी ही होगी, पैसे कहाँ से आएंगे? आप पैसों की फिक्र क्यों कर रही हैं? आपसे बढ़कर है क्या? और वैसे भी फीस श्वेब जमा करवाएगा, माशाल्लाह उसकी तनख्वाह 40,000 हो गई। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है मनु, डॉक्टर ने कहा है अम्मी को ब्रेन हेमरेज का खतरा है। कुछ नहीं होगा अम्मी को, इंशाल्लाह। मायूसी की बातें मत करो।